मैं ये भी जानना चाह रहा था पंडित जी कि बनारस शहर का आपको कलाकार बनाने में जो योगदान है, यानी जिस शहर में इतने बड़े बड़े कलाकार पैदा हुए, आप अपने परिवार से बाहर भी अगर जाकर देखेंगे, चाहे वो गायकी की बात हो, चाहे वो कथक की बात हो, चाहे तबला वादन की बात हो, यानी एक से एक बढ़कर सितारे उस जमीन से, उस पवित्र धरती से, उस पवित्र शहर से पैदा हुए हैं। आपके कलाकार को, आपके अंदर का कलाकार जब गढ़ा जा रहा था, उसमें उस बनारस का कितना योगदान रहा? देखिए, बनारस बनारस का ही योगदान रहा इसमें। यह कहा जा सकता है कि बनारस का जो जैसे हमारे पिताजी कहते हैं ना, यहाँ बना हुआ रस है जो कभी बिगड़ता नहीं। वो एक जो माहौल है, वो चारों तरफ संगीत हो रहा है, सब हो रहा है, वो माहौल आपको काफी प्रेरित करता है। इसमें एक चीज मैं कहूंगा, कलाकारों का सहयोग होना जरूरी नहीं है, जो कि मुझे उतना बहुत विशेष मिला भी नहीं, मैं आपको सच कहूं। लेकिन आदमी को उसमें उसका उसका नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बनारस में इतने बड़े बड़े कलाकार हुए, उनका सहयोग मुझे मिल जाए तो मैं आगे चला जाऊं। नहीं, आपको खुद से अपना काम, चूंकि माहौल आपको पूरा मिल रहा है, पूरा बनारस संगीत के रसा बसा है, बिल्कुल रचा बसा है, वहां के कण कण में संगीत है, तो उस संगीत को आप महसूस करके और अपना एम, अपना गोल खुद आपको बनाना पड़ेगा। जब मुझे, जैसे आपने कहा कि जब मुझे समझ में आने लगा कि हाँ मुझे कर रहा हूं मैं, और कैसे करूं क्या करूं, मैंने तुरंत एम किया। जैसे कि मैं सबसे पहले यह क्लियर करूं कि मैं तबला वादक हूँ। तबला जो है, मैं सब जगह कहता हूं कि ये संगत का वाद्य है। इसमें स्वतंत्र तबला वादन होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुख्यतः इस वाद्य की उत्पत्ति संगत के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य संगत करना है। तो मेरा जो एम था कि संगत संगत करूंगा, मैं संगत करूंगा, और फिर मैंने गोल बनाया कि नहीं, मैं संगत करूंगा तो कौन है अभी टॉप में, पंडित शिव कुमार शर्मा है, संतूर उनके साथ करूंगा, बांसुरी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं उनके साथ बजाऊंगा, वायलिन डॉक्टर एन राजम जी हैं उनके साथ बजाऊंगा, ठीक, गायन पंडित जसराज जी हैं उनके साथ बजाऊंगा, मेरे पिताजी के साथ बजाऊंगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के साथ बजाऊंगा। तो ये आप गोल अगर आप एम कर लेते हैं, तो फिर आपको उसको हासिल करने के लिए प्रेरणा आपको खुद से आती है। मौका, अवसर, देखिए अवसर का, अवसर की जरूरत है, अवसर तो आपको मिलेगा। अपने आप को इतना तैयार रखिए कि अवसर मिले तो फिर वो चूके ना। अब ऐसा मेरे साथ प्रत्यक्ष है, ये मैं ये भी बताऊंगा लोगों को जो नए बच्चे हैं कि उनको सीखना चाहिए कि अगर आपके मन में एम पा लेंगे और उस अपने को उस काबिल आप बना लेंगे, और एक बार अवसर मिला तो मिलता ही रहेगा। वरना क्या होता है कि मैं पंडित जी के साथ, शिव जी के साथ एक बार बजाता, फोटो खिंचवा कर रख देता है, मैंने एक दफा बजाया नहीं। मैंने अपने आप को इतना तैयार किया कि पहला ही प्रोग्राम वही संकट मोचन में मैंने बजाया, 30-32 साल पहले। तुरंत उसके बाद मुझे उन्होंने कहा, नहीं है अब यही बजाएगा मेरे साथ। हरि जी के साथ मैंने बजाया, पंडित जी के साथ नहीं, डेट इनको पहले पूछो। पंडित जसराज जी के साथ 85 से मैंने बजाना शुरू किया था, 35 साल मैंने लगातार बजाया उनके साथ, और उसी संकट मोचन मंदिर के हनुमान जी की देन है, उनके साथ शुरू किया। तो नहीं, ये नहीं कि मैं बनारस आऊंगा तभी रामकुमार बजाएंगे, नहीं, ऐसा प्रोग्राम मैंने, क्योंकि मैंने होमवर्क किया था, मैंने तैयारी की थी, अपने मन में मैंने पूरा विश्वास किया था कि ठीक है मेरा किस्मत साथ नहीं देगा तभी ये नहीं लेंगे, लेकिन काम से मैं अपने पूरी तरीके से कोशिश करूंगा इनको खुश कर सकूं, ताकि ये मुझे बंबई बुला के बजवाएं, कलकत्ता बुला के बजवाएं, अमेरिका में बुला के बजवाएं, और लंदन में बजवाएं। तो वो एम अगर आप बना के रहेंगे, आपको एक बार अवसर मिला तो मुझे जैसे कि मिलता चला गया, और भी जितने आने वाले तबला वादक है, अगर एम बना के रखेंगे और अपना होमवर्क, अपना काम सही तरीके से करेंगे, तो अवसर मिलते रहेगा और उनको सारी जिंदगी काम मिलता रहेगा और बड़े अच्छे तबला वादक हो सकते हैं। बहुत सहजता से आपने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि संगीत जगत में ये लड़ाई अपने आप में इतनी बड़ी है कि संगत करना जी है या सोलो करना है। और कई बार तो ऐसा भी लगता है हमें, जो हम बाहर के लोग हैं, कि जो लोग सोलो ज्यादा करते हैं वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बेहतर कलाकार हैं, और जो संगत कर रहा है वो थोड़ा सा कमजोर कलाकार है, इसीलिए वो संगत कर रहा है, इसीलिए उसको सोलो प्रोग्राम नहीं मिल और रहा है। नहीं, उनके उनके अंदर ये भी फीलिंग आती है कि हम तो तबला वादक, हम सोलो भी करते हैं, हम संगत, फिर वो संगत करते तो हैं, लेकिन उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना, वो नहीं दिखता है। वो जब तक आप संगत को एम नहीं बनाएंगे तब तक वो नहीं होगा। संगत को गोल बनाइए, आपके संगत करना है, मुझे संगत का वाद्य है, उसके बाद वो आपको वो हासिल होगा। अच्छा, आप 32 साल आपने अभी जिक्र किया पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ बजाने का, जी और शिव जी तो खुद बहुत शानदार तबला वादक थे, बल्कि हाँ जी 60 या 70 के दशक में वो एक प्रोग्राम में उन्होंने शर्त रख दी थी कि तबला भी बजाएंगे और संतूर भी हाँ बजाएंगे। हाँ तो जी इस तरह के कलाकार के साथ बजाना, और फिर जो बात आपने कही कि एक बार नहीं कि बनारस गए तो अच्छा तुम बजा दो हमारे लिए, वो नहीं, आप हाँ देश विदेश में उनके साथ जा जाके बजाते रहे, जी ये जो कंफर्ट फैक्टर आया, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लगन थी। सिर्फ और सिर्फ लगन तो थी ही, लेकिन देखिए संगत, जैसे मैंने कहा कि मुख्य बात दिया, तो संगत के लिए आपको तीन चीजें करनी। सोलो के लिए आपको अपना रियाज करना पड़ता है, और अपने गुरु की शिक्षा, शिक्षा और रियाज।
लेकिन संगत उससे बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। संगत के लिए आपको अपने आप को ऐसा तैयार रखना कि उस कलाकार को आपको समझना पड़ेगा, जिस काम को वो पिछले 60 साल से अपने घर में 50 साल से करके रियाज करके आए उसको आपको स्टेज पर 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर आपको समझना है। तो ये होमवर्क जो है ना, ये आपको उनके 10 प्रोग्राम 20 प्रोग्राम 50 प्रोग्राम सबको देखना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा कि कहाँ इनको किस चीज की आवश्यकता है। उसमें बहुत सारी चीजें शिवेंद्र जी, पहले ये देखना पड़ेगा किस कलाकार को किसका तबला वादन ज्यादा पसंद है। मैं जैसे मान लीजिए नया नया हूं, उस दौरान मेरी शिव जी से बात हुई थी, मैं 1985 में उनके घर पे गया था, सारा दिन मैं 6-7 घंटे रहा, उन्होंने मेरे साथ बजाया भी सब किया। उन्होंने मुझसे एक शब्द एक बात कही थी कि देखो मैं तुम्हारे साथ जरूर बजाऊंगा, तुम ऐसे घर से हो, मेरी संगत सबसे अच्छी जाकिर हुसैन करते हैं, तो मेरी जितना हो सके मेरा रिकॉर्ड उनके साथ सुनना। लेकिन क्योंकि वो तबला वादक, जैसा आपने कहा, उन्होंने एक बात साफ कही कि देखो जाकिर हुसैन की कॉपी मत करना, सिर्फ वो संगत का पैटर्न वो रखना, चीजें अपनी बजाना, सोच अपनी रखना, थॉट्स अपने रखना, ये करना। ये नहीं कि तुमको मैंने कह दिया तो तुम वही चीजें लगो बजाने, वो नहीं चाहिए, क्योंकि तुम फिर अलग नहीं होगे, फिर जाकिर कोई लोग सुनेंगे ना, उन्हीं को सुनेंगे, इतने बड़े उस्ताद हैं। तो तुम अपनी सोच को उसमें क्या कहां तक डाल सकते हो इस बात को। और संगत क्या कि संगत आधा सीखना है, सुनना है। मेन कलाकार जो कह रहे हैं उस समय अगर हमारा ध्यान जो बजा रहे हैं, हमारा ध्यान ऑडियंस पे है या ऊपर ताक रहे, वो नहीं, वो क्या बजा रहे हैं या क्या गा रहे हैं उसको हमको सुनना पड़ेगा, पूरा ध्यान देके तब उसमें हम, अगर वो 10 बातें कह रहे हैं और उसके बाद हमें अवसर दे रहे हैं, तो 10 में से कम 5 का जवाब तो मुझे वही देना चाहिए। अब मैं ये बना के बैठूं कि मुझे जब अवसर आएगा तो मैं अपनी प्लानिंग है, मैं तो अपनी चीज अपना रेला बजा के क्लैप ले लूंगा, ये संगत नहीं हुआ। संगत किसी के साथ संगत करना, किसी के साथ तबला बजाना, दोनों जमीन आसमान का फर्क है, दोनों दाहिने बाएं। मैंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ तबला बजाया, ये अलग है, उत्तर है, और मैंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ संगति की, ये दक्षिण है। ये दोनों में बहुत फर्क है, ये फर्क अगर समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी कलाकार के फेवरेट हो सकते हैं। तो कोई ऐसा किस्सा पंडित जी के जीवन से जुड़ा हुआ कि अभी तो हाल में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा भी कहा, और हालांकि वो जिस तरह का संगीत देकर गए हैं वो सदियों सदियों तक अमर रहेगा, हम लोग के कानों में गूंजता रहेगा। कोई किस्सा, कोई ऐसा मजेदार बात जो आपके साथ घटी हो उनके साथ संगत के दौरान? संगत के दौरान देखिए, वो एक ऐसे कलाकार थे जो कि तबला वादक को अपने बराबर समकक्ष का दर्जा देते थे, और वो कुछ मतलब उस समय नहीं बोलते थे। आपको एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, करीब 10-12 साल पुरानी बात है। वो स्टेज पे एक राग बजा रहे थे, वो राग मैंने उनके साथ कई दफा बजाया, और उस राग वाचस्पति राग था, उस पे उन्होंने स्टेज पे अचानक नई बंदिश बजाई। वो तुरंत से बंदिश स्टेज पे बना लेते थे, मध्यलय 3 ताल की बंदिश, और मैं वो ऐसी बंदिश का ऐसा छंद था उसका कि 3 ताल का जो ठेका है, ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना तीन तीन ना ना दिन दिन ना ना दिन, ये 16 मात्रा, मैंने इसमें 4 मात्रा मैं भूल गया, ना दिन दिन ना ना तीन तीन ना ना दिन दिन ना, ये मैं बता रहा हूँ ये बात। पंडित जी उसको मिला करके आ गए सम पे। और एक चीज और मैं यहाँ बताऊंगा कि पंडित जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने ही मुझे एक बात कही थी शुरू में ही, जब मैं उनके साथ शुरुआत की थी मैंने, कि बेटा हर प्रोग्राम रिकॉर्ड करना, उसको सुनना, इससे तुमको बहुत मदद मिलेगा। किसी के साथ भी बजाओ गाओ, रिकॉर्ड करो। तब से मेरी आज तक आदत है, मैं किसी भी छोटे बड़े कलाकार के साथ गाऊं बजाऊं मैं रिकॉर्ड करता हूं। खैर, मैंने होटल में आकर के वो रिकॉर्डिंग सुनी, मुझे शक हो गया था कि शायद मैंने कुछ किया है। रिकॉर्डिंग सुनी मैंने 4 मात्रा, मैं तुरंत उनके कमरे में गया, मैंने कहा चाचा जी आज मैंने 4 मात्रा में एक जगह आपका छंद ऐसा था कि मुझे 4 मात्रा मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गया। उन्होंने बहुत आशीर्वाद मुझे दिया, बोले जीते रहो, तुमको मुझे पता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम खुद से ये बात आके मुझे बताओ, क्योंकि तुम खुद रिकॉर्ड करते हो। मैंने तुमसे कहा भी था आज से 20 साल पहले कि तुम रिकॉर्ड किया करो प्रोग्राम, तुम करते हो, तो मैं देख रहा था कि तुम सुनते भी हो या सिर्फ करते हो स्टेज पे ऐसे ही। पहले वॉक पर मैं करता था, आजकल तो मोबाइल आ गया तो उस पर करता हूँ। लेकिन पंडित जी को पता था कि ये कर रहा है, उन्होंने कहा बहुत खुशी, बोले ये तुमको एहसास है कि तुमने वो गलती किया, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि अब मैं कैसी भी बंदिश बजाऊंगा तुम आगे ये गलती कभी नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं चाचा जी, वो मैं बोला। तो ये इस तरह का जो उनका है कि ये यही मेरे लिए यही यादगार की बात है कि वो चाहते थे स्टेज पर भी वो अपना बंदिश लाते तो मैं स्टेज पर गलत हो सकता था ऑडियंस के बीच में, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी 4 मात्रे की भूल को छिपा के वो सबको सम पे लेके आए। तो ये एक जो बात है उनकी, जो बहुत ही मतलब, और जो छंद का काम सारी दुनिया को पता है कि पंडित जी छंद का लयकारी, उनका उनकी विशेषता थी लयकारी, तो वो छंद का काम हमने बहुत सीखा है, बहुत उन्होंने सिखाया भी है। तो बहुत ही उनके साथ जो संगत कैसे की जाती है ये पंडित जी ने मुझे, पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने मुझे बहुत सिखाया, और मैंने सीखा भी उनसे। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब
किसी कलाकार से और जो उम्र में छोटा हो और अनुभव में भी छोटा हो, उससे गलती हो जाए तो आप संगत दरअसल आप ही नहीं कर रहे थे उनके साथ, वो भी आपके साथ संगत कर रहे थे, तभी उन्होंने उस गलती को इग्नोर किया, अपने आप को वो उस जगह पर ले आए जहां से वो गलती निकल जाए, लोगों को रियलाइज ना हो। एक और बड़े कलाकार हैं बनारसी गुरु जिनको कहा जाता है, हालांकि है नहीं वो बनारस के, पैदाइश उनकी इलाहाबाद की है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, उनका भी बहुत आशीर्वाद आपको मिला है, तो उनका वो तो और मजेदार आदमी है, उनका भी कोई किस्सा हो तो बताइए। पंडित जी का किस्सा तो ये है कि देखिए उनके साथ हम लोग स्टेज का तो आनंद लेते ही है, लेकिन हम लोग जब ट्रेवलिंग करते हैं या साथ में होटल में है तो वो बहुत तरह तरह के काम पंडित जी का होता है। तो उनके साथ ही होता है कि होटल में हम लोग जाते हैं, पंडित जी को खाने का बहुत शौक है, नॉन वेज खाते हैं या वेज भी खाते हैं, तो वो सीधे हम ताज में ठहरे हैं या कहीं फाइव स्टार होटल में, वो उसको बुलाएंगे शेफ को, जब प्रोग्राम करके आते हैं, भैया जरा शेफ को बुला देना जरा, वो आता है, उसको कहते हैं भैया मैं एक बहुत ही छोटा आदमी, मैं हरि प्रसाद चौरसिया मेरा नाम है, बांसुरी थोड़ा बहुत बजाता हूँ। अरे पंडित जी हम तो आपको ऐसा है मुझे ये चाहिए आइटम, इसको आप कैसे बनाएंगे, अब उसको पूरी रेसिपी वो बताते हैं कि इसमें ऐसा तेल डालिए, इतना मसाला डालिए, इतना नमक डालिए, इतना मिर्ची डालिए, इतनी हल्दी डालिए, और उसको करके भेजते, मुझसे कहते थे कि देखना अब ये कैसा, ये वही पनीर की सब्जी खाए थे, अब देखो ये पनीर कैसा बना के लाते हैं, अब वो लाता था और बड़े हम लोग आनंद से खाते थे। तो ये पंडित जी का ये जो हंसता हुआ ये माहौल को बड़ा ऐसा बना के रखना हर वक्त, कि हर समय वो म्यूजिक से रिलेटेड हंसी मजाक जो भी है, म्यूजिक से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड ही है, लेकिन उसको काफी हल्के में बना के रखते, ताकि वो उनका ये था कि जो हमारे साथ के जो हमारे शिष्य लोग हैं, हमारे साथ का तबला प्लेयर है, वो बिल्कुल आत्मसात हो जाए, क्योंकि उनका भी कहना यही था कि जब आप हमारे साथ बिल्कुल हर वक्त, अब आप अपने कमरे में ठहर गए, मैं अपने कमरे में ठहर गया, सीधे स्टेज पे मिल रहे हैं, तो सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक की बातें उतनी रह जाएंगी, मन नहीं मिलेगा, मन मिल गया बात हो गई, इतना ज्यादा अगर बातचीत हो जाएगा तो आप जो स्टेज पर आपका नजरिया बदल जाएगा बजाने का, आप बिल्कुल अपने मन की बात खुल के कह सकेंगे मेरे साथ, वही मैं चाहता हूँ, क्योंकि फिक्स गाना बजाना न पंडित जी का था, हरिप्रसाद जी का था, न पंडित शिव कुमार शर्मा जी का था, किसी का, ये लोग फिक्स नहीं बजाते थे कि हम भाई याद करा के देखो यहाँ का ये तान हमारी है, यहाँ तुम्हारा ये पीस आएगा, इस तरह का नहीं। मैं पहला प्रोग्राम जब मैंने बजाया था पंडित जी का शिव कुमार शर्मा जी के साथ, वो उन्होंने एक मिनट के लिए देखा था मेरे साथ ग्रीन रूम में राग दुर्गा, और ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा कि उसी दिन मैं दिन में उनका राग दुर्गा सुन रहा था, तो जैसे ही मैं उन्होंने बंदिश बजाई, मैं छोटा सा उठान करके एक मिनट गाया, तुरंत उन्होंने जीते रहो करके उन्होंने साज रख दिया। वो दिन था आज से 32 साल पहले का, लास्ट प्रोग्राम तक मैंने उनका बजाया, कभी उन्होंने ग्रीन रूम में मुझे कहा नहीं कि मैं ये ताल बजाऊंगा या साज मिला लें या ये राग बजाऊंगा, कोई डिस्कस नहीं, सीधे स्टेज पे वो अनाउंस करते थे, बल्कि कहते थे आलाप के बाद, पहले बोलते थे कि मैं आलाप ये राग में बजा रहा हूं, उसके बाद क्या बंदिश बजाऊंगा राम कुमार जी के साथ ये मैं बाद में तय करूंगा, और मैं टेंशन में होता था क्या बजाएंगे, लेकिन वो एक शुरुआती दौर में, फिर एक हो जाता है कि जो भी बजाएंगे एक बजा के आपको एक इतना हो जाता है कि आप कर लेते हैं, तो वो उनकी वो आदत नहीं थी, वो सीधे स्टेज पर अच्छा ठीक है क्या बजाए, रूपक बजाते हैं क्या, झपताल बजाते हैं, पंडित जी तो हरी जी तो ग्रीन रूम में कहते थे, अभी भी मतलब बजाता हूं उनका, कहते हैं क्या मूड है क्या बजाऊं, उनका बाबू जी जो आपकी इच्छा हो 7, 9, 10 मात्रा की बात में कर रहा हूं, क्या बजाऊं, मैंने कहा जो आपकी इच्छा करे, अरे नहीं नहीं आप बजाइए, आपका क्या मूड कर रहा है बाबूजी, 9 मात्रा ठीक है, बंदिश बंदिश देखा नहीं, ये ग्रीन सीढ़ी चढ़ने मतलब स्टेज चढ़ रहे हैं तब की बात है, ये 9 बजाए आपका मूड, चलिए 9 बजाऊंगा, तो इस तरह हम लोग की जो बातें होती है उनके साथ, कोई वो रिहर्सल नहीं कुछ नहीं, तो ये एक बहुत ही मतलब हर पर लोगों के साथ देखिए, जब जिसके साथ आप हमेशा रहते हैं तो उसके साथ आप बहुत आत्मीयता से जुड़ जाते हैं, तो फिर आपके साथ हर दिन हर समय उनका आप उनसे सीखते हैं हर चीजें, सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, पंडित जी से मैंने शिव जी से ये भी सीखा है कि कब बात करनी है, कितनी बात करनी है, कहाँ बात करनी है, क्या बात करनी है, ये सब आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगर आप किसी बड़े के साथ रहते हैं। एक दफा पंडित जी ने मुझे पूछा था, पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने, कि अच्छा ये बताओ राम, हम लोग बैठे हैं होटल में बैठे चाय पी रहे, तबला प्लेयर का रोल कहां से शुरू होता है, तबला प्लेयर का रोल कहां से शुरू होता है, तो मैं 2 मिनट सोचता रहा, स्टेज पर तो संगत से तो नहीं होता कुछ, ये पूछ रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई बात है, तो मैंने मैंने उनसे तुरंत कह दिया, मैंने कहा चाचा जी तबला प्लेयर का रोल आर्टिस्ट के साथ ग्रीन रूम से शुरू हो जाता है, बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिया मुझे, बोले जीते रहो बेटा, यही मैं सुनना चाहता था कि तुम, मैंने कहा जी ग्रीन रूम से ही मेरा फर्ज होना चाहिए कि मैं आपका मूड बनाना शुरू कर दूं, मैं ऐसे बात करूं ऐसा कुछ करूं कि जिससे आपका मूड बनता रहे,
फिर स्टेज पे जाऊं, आपका आलाप हो तो उसके आलाप के मैं बिल्कुल तरह इन्वॉल्व हूं, आपके आलाप में मैं पूरा उसके साथ तारीफ करूं, फिर उसके बाद मेरा पार्ट है। तो एक जो तबला प्लेयर का रोल है वो किसी भी आर्टिस्ट के साथ, चाहे वो पंडित जी हो, कोई भी हो, कोई गायक भी हो, उसके साथ ग्रीन रूम से ही शुरू हो जाता है, आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाइए। तो ये जो काफी बातें जो सीखने को ये सब है ना, उसको मैंने आत्मसात किया, इसलिए आज ईश्वर की दया से इतने सालों से मैंने इन लोगों के साथ कौन कौन सी जगह नहीं बजाई, मैं आपको क्या बताऊं, सारे बड़े बड़े मंच हिंदुस्तान के हों या बाहर के हों, इन चारों महारथियों के साथ, पिताजी हैं पंडित विश्वमोहन भट्ट जी हैं, उनके साथ ही मैंने बहुत ट्रेवल किया, 10 साल लगातार मैं घूमता रहा। तो ईश्वर की कृपा रही, वरना तबला प्लेयर देखिए सभी अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन आपका काम और आपके ऊपर विशेष कृपा से गुरुओं की, फिर आपका व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि स्टेज पर हम 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए, बाकी के 22 घंटे आप कैसे उनके साथ निकाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना कलाकार को मैंने ये भी देखा है कि वो सोचते हैं चलो यार ये बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन अरे थोड़ा कमजोर ही ले लेते हैं, लेकिन ये बाद में बहुत बात बहुत परेशान करेंगे ये, चलो ठीक है इनसे कम ही अच्छा बजाएगा लेकिन टेंशन तो नहीं देगा, ऐसा भी मैंने देखा है। तो आपको काफी तबले ही नहीं, मैं अपने तबले से ही आर्टिस्ट को साथ परमानेंट हो सकता हूँ, नहीं तबला तो आधे में निकल गया, बाकी जो आधा 50% है वो आपका व्यवहार है, आपका कैसे आपका रहना है, क्या आपका रहन सहन है, उस आर्टिस्ट को कैसे आप कर रहे हैं, ये आप करेंगे तब जाके आप एक कुशल संगतकार होंगे और आपको अवसर मिलता ही रहेगा, आप सबके फेवरेट हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।